हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज का टॉपिक है हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम किया था, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें जो सिंड्रोम है बच्चे, जो इंसान में प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन बींग्स में डिफेक्ट होता है। सो इसमें क्या होता है कि होता वो मेल है, लेकिन स्टीराइल मेल होता है, लेकिन उसमें जो बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फीमेल वाले होते हैं। सो इट कुड बी अ स्टीराइल मेल विद मैनी फीमेल करेक्टर्स। तो अब देखेंगे इसका कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। जो इसका जो कॉज है बच्चे, दैट इज एक्स एक्स वाई जीनोटाइप। तो आप पक्का इसको लिखोगे कि इसका जो कॉज है एक्स एक्स वाई जीनोटाइप होता है, और इसमें टोटल क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 47 इंस्टेड ऑफ 46। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, पर्सन है, उसमें 46 क्रोमोजोम होता है, लेकिन वो वाले इंसान जो ह्यूमन बींग जिसमें जो डिफेक्ट होता है, सिंड्रोम होता है, उनके अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं, 47 क्रोमोजोम होते हैं। तो दो चीज़ें होगी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, एक तो है एनोप्लाइड कंडीशन है, ठीक है, 3 सेक्स क्रोमोजोम होंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी बोलेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास कॉज। कॉज में आपने दो चीज़ें मेन लिखनी है कि ये कॉज इसका क्या है, एक्स एक्स वाई जीनोटाइप, और इसके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं कितने होते हैं, 47 क्रोमोजोम होते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, वो वाले पर्सन जिसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, उसके अंदर कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इट कुड बी अ स्टीराइल मेल। होता वो मेल है लेकिन स्टीराइल होता है, विद स्मॉल टेस्टिस होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती है, ओबेसिटी, स्पेयर्स बॉडी, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जैसे फीमेल वाले होते हैं, जैसे ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी। तो बच्चे ये है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होएगा, मेल होएगा, स्टीराइल मेल होगा, लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे होंगे, फीमेल वाले होंगे। तो आपने पक्का इसको ध्यान से लिखना, इसका जो कॉज है एक्स एक्स वाई जीनोटाइप एंड 47 क्रोमोसोम, उसके बाद इसके सिम्टम्स। थैंक यू।